हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स चल रहा है जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं फिलहाल हम अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आइडियलिस्ट और रियलिस्ट अप्रोचेस ऑलरेडी पढ़ ली है तो दोस्तों आज हम देखेंगे की जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है और न्यू लिब्रलिज्म की जो अप्रोच है उसमें क्या डिफरेंस है और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का तो प्लीज पे अटेंशन और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी की इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, Marxism. Marxism की ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो पोलिटिकल रिलेशन को नेशन एज अ पोलिटिकल एंटिटी को नहीं देते राधर देन वो देते हैं इंपोर्टेंस इकोनॉमिक एंटिटी को यानी कि इकोनॉमिक रिलेशन क्या है नेशन के बीच में और इस इकोनॉमिक एंटिटी का उनका जो बेटा बेसिस होता है वो होता है क्लास स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल इसलिए क्योंकि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें ये बोला गया है कि जो भी हिस्ट्री है ह्यूमन सोसाइटी की वो बेस्ड है है कि क्लास कैसे स्ट्रगल करती आपस में और उसी के बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशन इवन नेशनल और रीजनल जो रिलेशन है वो डिसाइड होते हैं और जैसे की मैंने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी की वीडियोज में मार्क्सिज्म अप्रोच बताई थी आपको बहुत सारे विडियोज के थ्रू भी आपको बताया था की इनकी जो बेसिक थ्योरी है वो है की जो प्रोलिटेरिया और बुर्जुआजी के बीच में कैसे क्लास स्ट्रगल होगा और रेवोल्यूशन का उसमें क्या रोल है और उनकी थ्योरी से आई लाइक मटेरियलिज्म का क्या रोल है एलियनेशन का क्या रोल है सरप्लस वैल्यू का क्या रोल है ये सभी जो उनकी थ्योरीज है वो एज इट इज जो नेशनल रिलेशन में यूज करते हैं वो एज इट इज वो यूज करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है उनका ये मानना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना वो क्लास के बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं और क्लास के बेसिस में ऐसे की ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन डिफाइन किए गए हैं कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो अपने अपर क्लास और वेल्दी जो नेशन है उनको हो तो वो ये मानते हैं कि ये अनफेयर है अनजस्ट है वो ये नहीं मानते कि जो नेशन है उसकी कुछ एक सब्रानिटी है उसकी एक पॉलिटिकल एंटिटी है बट वो ये मानते हैं कि इकोनॉमिक बेसिस पे नेशन डिवाइड हुए हैं और ये बहुत ही इनजस्टिस वाला सिस्टम है और इसका सोल्यूशन एक क्लास कंफ्लिक्ट अब इनका जो इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म में मार्क्सिज्म है जिसको हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म बोलते हैं वो बेसिकली बेस्ड है लुइस आलथ्यूजर की जो थ्योरीज है उसपे और दोस्तों ये जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है इसको इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म्स में दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है एक है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जिसके मेन प्रोपोनेंट है इमेनुअल वॉलर और दूसरी है डिपेंडेंसी थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी के मेन प्रोपोनेंट है एंड्रोजी फ्रैंक और ब्रॉडली अगर मैं बात करूं मार्क्सिज्म के बारे में तो इसके और भी प्रोपोनेंट है जैसे रॉबर्ट कॉक्स हो गए और न्यू ग्रामीजियम अब अगर मैं बात करूं न्यू लिबरलिज्म की। और ये कैसे डिफरेंट है मार्क्सिज्म से तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि लिबरलिज्म थ्योरी क्या है देखिए दोस्तों जब हमने रियलिस्ट थ्योरी डिस्कस की थी तब हमने ये देखा था कि जो जो दो वॉर्स के बीच का जो समय था और उसके बाद उससे कैसे डील करना है उसके बेसिस में काफी सारी थ्योरीज निकल के आई और रियलिज्म का मेन जो बेसिस था वो ये था कि जो नेशन है वो एक कॉम्पिटेटिव स्टेट में रहते हैं बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं लिबरलिज्म की तो दोस्तों जब दोनों वर्ल्ड हुए उसके बाद काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने और इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या था इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ही यही था कि जो वर्ल्ड रिलेशन है वो बहुत ही पीसफुल हो और कॉपरेटिव हो तो लिबरलिस्ट जो थे ना वो वो इस चीज को बहुत बहुत ही ही ज्यादा फेवर करते थे वो बहुत ही के मामले में कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो हम पॉजिटिविटी के साथ हम पीस एंड कॉपरेशन की सिचुएशन बना सकते हैं अब इनका जो ओवर पॉजिटिविज्म था वो उस समय के टाइम पे जैसे की पोस्ट वॉर जो डिकन्स्ट्रक्शन था उसको वापस ठीक करना और जो पोस्ट वॉर के बाद कैसे सिचुएशन हैंडल करना है उस समय तो काम आ गया लेकिन बाद में जो इकोनॉमिक रिलेशंस चेंज हुए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू मेनी फैक्टर्स तो जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते गए वैसी जो लिबरलिज्म जो थ्योरी थी इसको बहुत ही ज्यादा बोला गया कि ये बहुत ही ओवर पॉजिटिविस्ट है ये हवाई बातें करती हैं लेकिन जो न्यू लिबरलिस्ट थ्योरी आई इसके कॉन्ट्रास्ट में एंड उसने बोला कि ये जो थ्योरीज हैं इतने पॉजिटिविस्ट नीति थे वो थोड़े प्रैक्टिकल अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो न्यू लिबरलिस्ट जो थे वो एक मिक्सचर था जो पुराने लिबरल थ्योरी थी और रियलिस्ट थ्योरी थी यानी कि लिबरल जो थ्योरी थी वो बेसिस उसका था कि पीस एंड वाली सिचुएशन होनी चाहिए और जो रियलिस्ट थ्योरी थी उसका मेन मोटिव ये था कि जो नेशन है ना उनके कुछ नेशनल इंटरेस्ट है और वो इसी वजह से कॉम्पिटिशन में रहते हैं क्यों क्योंकि वो सबसे पहले अपनी सोब्रानिटी अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं और इसी के बेसिस पे जो न्यू लिबरल जो थ्योरी थी न्यू ज की थ्योरी थी वो चार पार्ट में बेसिकली निकल के आई और जैसे चार पार्ट में आपको बताती हूँ फर्स्ट था इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म यानी कि जो लिबरलिज्म है जो ये पीस एंड कॉपरेशन है वो आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं इसके चलते बहुत सारे जैसे नए इंस्टीट्यूशन आए इवन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क ब्रिक्स बिम्स्टैक आसियान ये सारे जो है ये इसी का ही एक एग्जाम्पल है दूसरा अगर मैं बोलूँ तो सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म कैसे वेलफेयर स्कीम्स क्योंकि जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज निकल के आए आफ्टर कॉलोनाइजेशन तो उनको अपना डेवलपमेंट वर्क करना था उनको रिकंस्ट्रक्शन दोबारा करना था अगर उसके बाद आया रिपब्लिकन लिबरलिज्म रिपब्लिकन लिबरलिज्म कैसे कि जो है रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट शुड बी इलेक्टेड वो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि कोई मुनार्क बिठा दो कोई अपना ऑटोक्रेटिक रूलर बिठा दो ऐसे नहीं होगा तो यहां से निकला डेमोक्रेसी की वेव अब अगर हम अभी देखें तो नियरली सारी जितने भी कंट्रीज है मोस्टली कंट्रीज में डेमोक्रेसी फॉलो होती है, किसी भी एंगल से लाइक like, लाइक like, या तो वो प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं इलेक्ट करते हैं इनफैक्ट है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो बेस्ड होता है डेमोक्रेसी में तो ये है स्ट्रेंथ रिपब्लिकन लिबरलिज्म की उसके बाद आया लास्ट इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म ये हमें बताता है कि कैसे जो नेशंस है वो इंटरकनेक्टेड है लाइक आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अब ग्लोबलाइजेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी हो गई है और हाइपर ग्लोबलिज जैसे कि मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी में भी बताया कि वो कहते हैं कि आफ्टर ये जो जितनी भी टेक्निकल एडवांसमेंट है जितनी भी हमारे इकोनॉमिक एडवांसमेंट है उसके बाद तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम आइसोलेटेड रहे क्योंकि इससे इतनी टेक्निकल एडवांसमेंट होगी, इतनी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इतनी इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है इतना आईटी जो सेक्टर है वो इतना एडवांस हो गया है कि हर कंट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सो so, इसी वजह से इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई है तो so, जो न्यू लिबरलिज्म की जो चार लिबरलिज्म अलग से निकल के आए ना जिनकी थ्योरीज निकल के आई उनका सीधे सीधे मानना था कि ये थोड़े प्रैक्टिकल थे ऐसा नहीं थे कि ओवर ऑप्टिमिस्ट थे बट इन्होंने एक्चुअली जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड वर्क किया हर स्फीयर में बीट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चर हर स्र में जो जैसे लोग कॉन्फ्रेंसिस करते हैं ये सब ये क्या है इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई है तभी तो हमें पीस एंड कॉपरेशन की जरूरत है अगर हम कोई भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ भी उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है मैकेनिज्म है हमारे पास इंस्टीट्यूशन है एंड हम हमेशा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ ही जाते हैं राधर देन वॉर क्योंकि हमें पता है की कॉस्ट ऑफ वॉर क्या है डिस्ट्रक्शन की क्या कॉस्ट है और उससे हमारे बाकी सारे फैक्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो दोस्तों ये थी दो कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस ऑफ इंटरनेश इंटरनेशनल रिलेशन एक मार्क्सिज्म जो एक मार्क्सिस्ट अप्रोच जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ क्लास देखते हैं और एक न्यो लिबरलिस्ट अप्रोच जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ पीस एंड कॉपरेशन देखते हैं तो बाकी की जो थ्योरीज है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करते हैं व्यूज बढ़ते हैं तो तो पॉजिटिविटी यहाँ पे भी आती है और ज्यादा वीडियोस निकलने के चांसेस निक, बढ़ते हैं तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर अ नाइस डे